होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सपा ने 6 उम्मीदवारों का भी ऐलान कर सियासी तपिश को बढ़ा दिया है, जिसके बाद से लगातार अखिलेश की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अखिलेश कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं देंगे। लेकिन इस बीच अखिलेश ने सारी पॉलिटिक्स पिक्चर को साफ कर दिया है, जिसने लखनऊ से दिल्ली तक खलबली मचा दी है। दरअसल नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर अखिलेश ने सैफई में उन्हें श्रद्धांजलि दी, जहां यादव परिवार के ज्यादातर सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान भी दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव में सपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। अखिलेश के इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जिसकी बड़ी वजह भी है, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश हो या हरियाणा, कांग्रेस ने दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत सपा को कोई सीट नहीं दी थी। इससे सपा को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। हालांकि फिर भी अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बयान देकर सबको हैरान कर दिया है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो हरियाणा में प्रदर्शन के बाद यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को जो मिले वो ही सही है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर वे कमजोर स्थिति में है। कांग्रेस अब बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है और इसका असर 2027 तक रह सकता है। कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी सपा को अपने कोटे की सीटें देनी होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपने हिस्से की सीटें सपा को नहीं देंगे। हरियाणा के नतीजों ने कांग्रेस पर दबाव भी बढ़ा दिया है और अब वो यूपी में किसी भी कीमत पर गठबंधन तोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती, अन्यथा उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। अखिलेश यादव ने अब भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के रास्ते खुले रखे हैं। जहां तक अभी तक कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन और समाजवादी पार्टी की दोस्ती अब खटाई में पड़ती दिख रही थी, तो उसके जवाब में सैफई में अखिलेश यादव ने बोलते हुए साफ कहा है कि अभी भी उम्मीदें बाकी हैं और कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूती के साथ चल रहा है। आने वाले 10 सीटों पर जो उपचुनाव हैं उनमें अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है, जिसके बाद तमाम विपक्षी राजनेताओं में भी इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि अभी भी कांग्रेस के लिए रास्ते खुले हैं। देखना यही है कि उन रास्तों पर कांग्रेस कितना आगे बढ़ पाएगी और अखिलेश यादव कांग्रेस का साथ कितने दिनों तक दे पाएंगे। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जीएमडी न्यूज़ लखनऊ।